नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब बच्चे आ गए? जी जी। बैठो। बता भैया मैंने दिल तुझको दिया हो रमैया। माता दा पाल आ गई। खुश रहो। इतना देरी में कैसे आए बे? अम्मा 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 का अम्मा बनावत रही का खाना। तो खाना बनावत रही तो खाना में इतना देर लग गया। बिना खाए हो बेका बैठ जाई। समय से पहले आवा करो। समय से पहले हम भगवान घर से नए तो यहाँ कैसे आई? चल भाई बैठ जा। अरे छोटुआ अच्छा तोर माई काजल लगा के नहीं भेजी से? अरे तोर माइयो बहुत खराब है। अरे राम पतवा सबकर हाजिरी का समय हो गया है। हाजी डेटी पिक्चर लगी है? है? कुछ नहीं। कहा बक्कत बड़बड़ात रहा थे? साई क्राइम। अरे सब लड़का बच्चा आ गया है तो हाजिरी हो जाए चाहिए। हाँ तो लो ना। हेलो हाजिर। हेमंत कुमार। ननका आए हैं। आवत तो है। आवत है। भूकंप में चला गया होकर दांत। अच्छा एक ही पड़ा है अभी तक। तुम कौन से पढ़े जा जाते हो? एलएलबी पास हो गए। कौन बैल? निशा देवी। जी मास्टर साहब। देखो बच्चे कितने सुंदर हैं। बहुत सुंदर हैं। लड़कियां कितनी अच्छी है खड़े होने देती है। का हाजिर आऊंगा। सब कायदा कानून में रहती है। अबे तेरा मुंह क्या होगा इधर घूम। रुखसार अवस्थी। मास्टर साहब एक बात बतावा। ये आधा अवस्थी है और आधा रुखसार है। का पहने है? अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे का रुखसार है ऊपर का अवस्थी। तुम कौन हो? दाद भाल में मुंह थरचन भाई। अरे भाई हमरे कोई बात नहीं। टांग अच्छी है। तेरी ऐसी तैसी सूरत है लड़की जैसी। लंबी टांग पैंट पतलून सुलग रही सिगरेट जैसी। जब देखो कुछ बड़बड़ाते रहा तो पढ़ाई चल बढ़ता बढ़ता गया तन से कपड़ा घटता गया फिर उसके बाद बुम 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 बुम। श्रीमती सोनी देवी। ठीक बैठो। आपन टिफिन कैरियर ले आई? मास्टर साहब मास्टर साहब। हाँ। ये हमरे लायक है। का कहत है? ये हमरे क्लास के लायक है। तो आमने सामने बैठे तो हो? हाँ हाँ दूरी है थोड़ा सा लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। न बैठिए। रामपाद। यस माय डियर। हम ना सारे हरामी। कोई परेशानी? जब हम कहा रामपाद तो कहा तो यस माय डियर। हम तुम्हारे डियर आई। ओहो आप समझे नहीं। ये हमारे बाप भी नहीं समझ पाते थे हम जब बोलते थे। मास्टर साहब हम ये आपको डियर बोल रहा है? हम तोरे डियर है। नहीं हम नहीं रहते हो ना। हम लोग को डार्लिंग बोलता है कबे। अरे अंग्रेज छोड़ गए डार्लिंग। कुछ ना मिलता डार्लिंग है तेरी माँ का डार्लिंग। कौन सा नहीं इसकी और इसकी बहुत लड़ाई हुई थी। ये बचपन की मोहब्बत है जो लड़त रहा थे। ठीक हाँ मास्टर साहब। ये जब पटकी सा तब तो फूल निकल आया था। ये देखो ये फूल उसी टाइम का निकला। उसी टाइम निकला तब से फूला ही फूला घूम रहा है। बैठो बच्चों। बोल बोल खड़ा बोल। तय ससुर टेबल के नीचे में बैठ रहे हैं। बैठ जा। हाँ ये बात तो तुम ठीक कहो। जब खड़ा हुई तो पता चली कि बैठा है।
ए कलिया कल्लू कल्लू ठीक है बैठो। एक बात बता दे, आज सराउ या स्कूल में हग गया ना, जाऊं तुम हग दे तो हमका पोछे पाछे सहने पड़ा था सर, समझे? तुम लोग हंसते हो, सारे घरे से खा खाएंगे पाँच पाँच पथेरी। अरे हे भगवान, कौनो पढ़े लिखे विद्यालय में न भेजे, ये प्राइमरी स्कूल के पौड़ शिक्षा में भेज दिया। मास्टर साहब बोलो, इनका देख ले कबे चलो के नाती। ये बताओ, हम सारे तुम कहे पढ़ावा आए हैं, तुम यहाँ बैठ के ऊंगा था मास्टर साहब। हाँ, तो जब आप पढ़ा के गए थे ना, हाँ, सब कुछ भूल गया था, फिर ऐसे ही रोने लगा, तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से चुस्नी ला के दी, तब चुप हुआ था। हाँ हाँ मास्टर साहब, एक चूस चूस का चूस चूस चूसना बना दी। कबे बहुत चूसता है ललौना, ठीक से रहे, बता दे थे। देखो सबसे पहले छोटे छोटे अक्षरों पे तुम लोग ज्ञान दो, समझे? गिनती के साथ साथ उर्दू के अक्षरों पे भी ज्ञान दो, जैसे जैसे हम पढ़ाए वैसे वैसे पढ़ना। अरे बात तो हमें समझ में आ गई। क्या आप कहा कहे हिंदी के साथ साथ उर्दू का ध्यान दे? हाँ, तब तो उल्टा करके काम निकालना पड़ेगा। कैसे? हिंदी सीधी रहती है और हिंदी को उल्टा करो तब उर्दू तैयार होती है, तब तो उलट के काम करना पड़ेगा। अरे भगवान, अबे ते पढ़े आवत है का उलट पलट करे आवत स्कूल तक। बैठ जा, मौका कहाँ मिल रहा है बच्चों? देखो उर्दू का ज्ञान देखी थे या देखो? देख लिया। ये पंखा चला था। उर्दू के अक्षर में का हुआ? ये हुआ सात, और ये हुआ जीरो, दोनों मिला के हो गए सत्तर, गिनती सत्तर, यूपी अठहत्तर। ये हो गए आठ, फिर हो गए आठ, दोनों मिला के का हुआ अठासी। तोरी बहन करेगा फांसी। अस्सी सत्तर के दाल, अट्ठासी के मूसा, कैसे? दोनों चीज जब मिलाओगे तो ये क्या बनेगा? आठ डिजाइन, कैसे? सत्तर के दाल, अट्ठासी के भूसा, पूंछ पकड़ के खींच दी, बन गई मूसा। समझे? समझ गए। ऐसे तुम लोग का करे का है? हाँ हाँ करेंगे। अच्छा साइलेंस प्लीज। आई डोंट नो बात चीफ। आज हम क्या पढ़ाए आप लोगों को? गोविंदा मौसम बना रहा है। ये कौन है? ये हमारा क्लास फेलो है। मास्टर साहब गोविंदा बहुत बड़ा हीरो है। बच्चों हम तुमसे सवाल पूछें तो उसका जवाब देना, बताओ वो कौन सा पंछी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसका नाम बता। तुम्हें आता? बैठो करे ललौना, पढ़े आवत सारे, मुस्कुरा रहा ना समझ में आ रहा, मुस्कुरा रहा समझ में आ रहा, डरा रहा है, बताओ। मास्टर साहब चमगादड़। अरे वाह, देखा विद्यालय में ऐसे बच्चे पढ़ने आते हैं। चमगादड़ की औलाद है का? तुम तो हो सारे लकड़ बग्घा। मास्टर साहब मैं इसका मुंह नोच लूंगी अभी। गुस्सा न करो, शांत हो बैठ जाओ। आज क्या पढ़ाऊं? जो ना पढ़ाओ। यदि
मास्टर साहब ये क्या होता, क्यों ना पढ़ाओ? इनके सारे डिक्शनरी भी लिखा हुआ है। अरे बच्चों आज क्या पढ़ोगे? जो आपको ना याद हो दादा करूंगा। ठीक कहो, चलो सबक ले। पढ़ाओ। सिपाही से पहले हवलदार हो ना दुनिया पे गोली मारे। छोटा बड़ा छोटी बड़ी जाओ एक याद कियो समझे। हाफ टाइम के बाद हम पूछब, खड़े हो लिखो। ए ए बी बी सी सी बैठ जाओ पढ़ो। बुरे ले लूंगा देखो सर। पढ़ावा हम तो तुमसे पूछा कि आज कहा पढ़ावे निकाह पढ़ाओ है? का कहा थे निकाह पढ़ाओ। मास्टर साहब कह रहे निकाह पढ़ाओ। बहुत ससुर से दुष्ट आदमी है। अच्छा ही बताओ जिसे सुनाई ना देता हो उसको क्या कहते हैं? बोलोगे पहला ये तो कके बताई इसमें यू बताई। हाँ कुछ बगले सारे को सुनाई नहीं पड़ता था। सही कह रहे हो। कौन सा पंछी सबसे तेज उड़ता है? काला वाला। काला वाला हाथी। पंछी हाथी नहीं है। अबे नालायक ये सब गलत बता रहे हैं। हाँ सबसे तेज उड़ता है आगे लटका रहता है इतना इतना मोटा पैर होता है इतना इतना बड़ा कान होता है। वो तो हाथी होता है। हाँ हाथी। अबे वो हाथी कैसे उड़ेगा? अबे कौन सा पंछी सबसे तेज उड़ता है तू कह रहा हाथी? हाँ हाथी। नालायक के बच्चे तेरा बाप कौन है क्या करता है? तू हमको जानते नहीं हो? हमारा बाप दाऊद का शूटर है। हाँ दाऊद के गिलों में शूटर है शूटर। बच्चो हाथी लिखो। हाँ हाथी लिखो। कौन जाए सार गोली खावे? पढ़ोगी? आओ पढ़ो। पढ़ाओ। छोटा छोटा बड़ा बड़ा छोटी छोटी बड़ी बड़ी बड़ा छोटा जा बड़ा छोटा जा बड़ा छोटा जा बड़ा आ छोटा जा बड़ा आ छोटा जा। पढ़ावे ना दे बेबे आपे तो कहे पढ़ो छोटा बड़ा जा। अरे हम ओका लड़की पढ़ा दे तू बैठे जा हम पढ़ा दे। बैठो 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 ऐसे बैठो। हाँ शाबाश। पढ़ाई हो रही है तो है कहे लौंडो को मारते हो उनका देखो उनका कहे गोदी में बैठा ले। अरे ये सब बच्चियां हैं। ये बच्चियां हैं ये सब का तुम्हारे पुरखा है। बड़ाऊ छोटाऊ छोटाऊ बड़ाऊ बड़ाऊ जाओ शाबाश आओ। पढ़ावा कविता पढ़ोगी? जो भी पढ़ाएगा हम वही पढ़ ले। पढ़ो। पढ़ावा। परदेश जाके परदेसिया परदेश जाके परदेसिया भूल न जायो हमार प्यार भूल न जा हमार प्यार। ठीक जाओ याद करो। इससे हमारी बात चल रही है। काहे की? शादी की। निकाह पढ़ा रहे थे। इससे तुम्हार बात चले थे शादी ब्याह के? हाँ। अभी तक तुम ब्याह नहीं करे हो? नहीं। तो दुई बात और दस तो टिहटी के डंडा और कंडा और हाई खड़िया रख ले हो। बस मृत घोषित होए वाले हो। भाई खा ले नहीं तो डांटे। अबे डांटे तो क्या तुमका प्यार करे? और का
सारे सड़ा हुआ आम हो रहा है और कह रहा है कि मास्टर साहब हमारे से ब्याह हो। परसों शादी होई, आइयो मास्टर साहब हम लोग दुख ले गए। मास्टर साहब, हां हम एक शादी ना कर पे। लो बात तो है नहीं। अरे तो फायदा है, दांत नहीं है, बहुत फायदा है। वो फायदा है, घोस निकले का डर नहीं ना हो, चपका लगा। बैठ जा, घोस निकले के डर नहीं ना मालूम है, एक को पीस नहीं निकली। ना बैठा, बैठ जाओ। एक दफा खड़ा होकर बैठता नहीं है। तुम बता दी पढ़े को हो ही। अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलो, ये सबसे अच्छी छात्र है। हाँ। तुम सब ससुर गधौ हो। तुम्हारा मौसी है। का बक्कत ले? अच्छी है। पढ़ो। मास्टर साहब, एक बात बताएं। पूछो। कल जब हम लोग की छुट्टी हो गई थी ना, हाँ? हम जा रहे थे घर, तो पीछे वाली गली में ना टोपी पहन के बैठा है रंपत। रंपत हरमियुआ? हाँ। का कहिस? और ये जो बैठी है सबसे आगे, वो रिबिन वाली? हाँ। का कहिस? एक साथ खड़े थे, और वो जो आती है बर्फ वाली चुस्की? हाँ। का करीन? एक ही में दोनों पी रहे थे, चूस रहे थे बहुत जोर जोर। बर्फ वाली चुस्की? तो बर्फ हुआ एकरे मुंह में रहा, डंडिया ओकरे मुंह में रही। पता नहीं क्या कर रहे थे, हमने देखा तो हमने कहा हम आपको बताएंगे। सच करिया, बाद में हमें कर सजा दीजिए। बिल्कुल, तुम पढ़ाओ। पढ़ो। पढ़ाइए। इंग्लिश पढ़ियो? जी पढ़ाइए। पढ़ो। ए फार? ए फार एपिल। एपिल। बी फार? बी फार बॉय। बॉय। सी फार? सी फार चूहा। चूहा। बैठ जाओ। इसके आगे नहीं मालूम इसका। मास्टर जी, परसों आपने कहा था सी फार कैट, कैट माने बिल्ली। बिल्ली हो थे जी, तो याद कर लो, हम हूँ बता दी हो। को माने कुकू, को माने कुकुर। नमनिये बे, बताओ बच्चों, दिल्ली से एक जहाज कलकत्ते पहुंचा? हाँ मास्टर साहब। बताओ हमार उम्र का है? अरे नहीं बता, तू लोग कही थे दिल्ली से एक जहाज कलकत्ते पहुंचा, बताओ हमार उम्र का है? करे तै खड़ा हो बे, बता। नहीं मालूम मास्टर साहब। नहीं मालूम, बैठो। आप जात कुछ नहीं, सारे चले आओ थे। अरे बौना खड़ा हो। दिल्ली से एक जहाज कलकत्ते पहुंचा, बताओ हमार उम्र का है? नहीं मालूम, बैठ जा। तुम बताओ, दिल्ली से एक जहाज कलकत्ते पहुंचा, बताओ हमार उम्र का है? अम्मा का मालूम होगी। बैठ जाओ। रंपत हरामी, परेशानी इस बात की है कि हम सच्चों से सवाल पूछ रहे हैं, तुमसे ही पूछ रहे हैं। हाँ पूछो। दिल्ली से एक जहाज कलकत्ते पहुंचा, बताओ मेरी उम्र क्या है? सही से बताओगे तो कॉपी देंगे, खड़िया देंगे, पेंसिल देंगे इनाम में। नहीं हम बता दे तो आप मारेंगे। सच्ची सच्ची बताओगे तो क्यों मारेंगे? मरबो मरबो तो मरबो, हम ना बताओगे ना मार भाई। नहीं मरबो। अरे कहा था ना मार भाई, बता दे। बतावे के पड़ी। मरबो तो मरबो, हम ना बताओगे। मरबो तो हम ना बताओगे। अरे कहा था ना बताए ना मारे, तो कहा है परेशान। बताइए आज आपकी उम्र हुई ठीक 40 साल। अरे राम फतवा, हाँ। ये तू हमारा आज ठीक 40 साल उम्र कैसे बता दिए? आज के दिन तो हम 40 साल के हो गए। ये बात ना बताओ। अरे तू तो बड़ा समझदार विद्यार्थी है। ये बताओ, ये संक्षेप में तुमका बताओ पड़ी कि हमार 40 साल उम्र तुम बता कैसे दी? ये हम ना बताओ।
नहीं बताइयो नहीं बताओ ये हमारे बचपन की आदत है चुसु चुसु करेगी औषधि है चुसनी की जगह अंगूठा लगा लिया करें अंगूठा नहीं लगाए थे उंगली करेंगे रे इस वार्तालाप में उंगली ना करना तुम ही बताओ हमारी उम्र 40 साल कैसे बताए बताना पड़ी कैसे बताए तो मरबो न मर भाई मारना नहीं हमारा जो एक भाई है 20 साल से आगरा में है आगरा में हाँ वो की उम्र 20 साल है हाँ तो वो आधा पागल है का मतलब वो आधा पागल है 20 साल का है और आप 40 साल के हैं आप पूरे पागल हैं है? कल तुम्हार छुट्टी काहे बदे इसलिए कि कल यहाँ स्कूल का कॉपी किताब चेक होगा बहुत बड़े अफसर आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब हाँ तो हम ना हुए तुम ऐसे आई हो तो उलपटांग बकी हो काहे तू सवाल क्यों हम जवाब दिए मैं उलपटांग का बके इस सवाल का जवाब जवाब दे तब मरते हो है मारी लेकिन तुम हमका पागल बता दियो इंस्पेक्टर साहब ये पता नहीं कहा उनका कह दियो कल तुम्हार छुट्टी लड़का सब कर छुट्टी हम ना उबे तुम ना आयो हम जाए थे गांव के पोखरा में नहाबे नहाबे पोखरा में चलो लड़का अभी तुम लोग लंच नहीं खाए हो अभी नहीं अच्छा तो तुम लोग खा ले हो सब छुट्टी हम जाए थे रजिस्टर चेक करा दे बड़े साहब जाओ जाओ अरे हाँ तुम लड़कियन के कुछ पढ़ाए उड़ाए हो ना अच्छा अच्छा बता देते सारे हरान मैं तुमका बहुत मर भाई हाँ ई वाला जरूर खाएंगे मास्टर साहब कितनी सुंदर छात्रा है ना हम खिला दें नहीं हम खा लेंगे को भाई खिला दे अब छीलो अपने बुजुर्ग खाएं ये केला छीलो लीलो हाँ लीलो गटाइम तो नहीं फंसा ले ओ निप्पल चूस लो चिकनाहट आ जाएगी कहाँ बैठ रहे मास्टर साहब खा लियो खा रहे हैं ये केला बिहार का है चिनिया खेला भुसावल वाला और खा लिया समझता नहीं बदतमीजी करता रहे एक चौकोला हमारी अम्मा देके भेजे भुसावल वाला बैठो आप जाइए सबका देखत रहे हो आ जाइए अरे सैया भाई कोतवाल तो राजा में डरे काहे का फिर की वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जवान से ओ मेरा कौन बोला बीच में काहे के बाप किएगा है यस चलो पढ़ो इधर आओ हाँ भाई तुम अरे भाई समझ नहीं रही बात एक बात बताई संशोधन कर रहे हैं अरे सुना तो हाँ बोलो एक बात बताई लंच हुआ है हाँ हैं अब हम तुम लंच खाए बैठ के साथ में यहाँ यहीं ये सब बच्चा लोग देखेंगे ना शिकायत कर देंगे अरे ना करी इन लोग को बोले दा चला चली मकई के खेत रउआ है निया एक बात बता बता दे अब चल ए हमार बात सुना हाँ जब कल हम तुम बर्फ खात रही कैसे तो, कैसे खाए थे हाँ ऐसे ही हाँ जब कल हम तुम बर्फ खात रही तब कोई नहीं रहा तो आज लंच खाए में काई की शर्म बा अच्छा बैठो बैठो बैठ बैठ जाए बैठ पढ़ाइयो नहीं पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ पढ़ावा तो पढ़ावा पढ़ो पढ़ावा जब से हुई है शादी पढ़ो अभी हमारा शादी नहीं भाई पढ़ना ये सबक है ये सबक है जब से हुई है शादी जब से हुई है शादी आंसू बहा रही हूँ आंसू बहा रही हूँ शराबी गले पड़ा है शराबी गले पड़ा है धनिया बेच रही हूँ
बेचा याद करे। अब नहीं बेचेगा धनिया। या पढ़ो पढ़ाओ। बकरीद आने वाली है। बकरीद आने वाली है। खस्सी करा दिया है। खस्सी करा दिया है। टाइम आने पे बलि करा दूंगी। टाइम आने पे बलि कुर्बानी करा दूंगी। कुर्बानी करा दूंगी। जाओ तुम ही आओ। कुछ नाश्ता वास्ता लाई है? लंच के टाइम पे पढ़ा रहे हो तुम? अरे के पढ़ा रहा है? कौन पढ़ाई हो रही है? लाम लाम खाना खा ली। तुम खाओगे? आओ का क्या लाई हो? पराठा शक्कर का। शक्कर है? हम का शुगर हम नहीं खाएंगे। खा ले जा, जा खा लेंगे। मम्मी को ना बताना। मम्मी को नहीं बताएंगे। हाँ तो पूछें कौन खाए सब? कह देंगे रास्ते में कुत्ता खा गया। कुत्ता खा गया। अब ऐसा करो, मास्टर साहब आ रहे होंगे, बैठो तुम लोग बैठो। सब करा लिया है रजिस्टर में, साइन हाजिरी। मास्टर साहब देखो ये सार का करत है। मास्टर साहब हाँ जब से तुम गए हो हाँ है। सोवत है? हाँ। ये विद्यालय है कि इनके बाप का संज्ञान कच्छ है? हाँ। बोलो। ये ना इसकी सहेली है पक्की। जब आप चले गए थे ना अभी बताया था आपको कि कल ये लोग वो चूस रहे थे बर्फ वाली, आज बोल रही थी कुल्फी चूसेंगे। अभी प्लान बना है दोनों का आपके जाने के बाद। चलो बैठो, आज हम खुद है पूछ ले थे इनसे। हमारी कापी चेक करेंगे, गुड़ देंगे ना, हमने आपको बताया है। अरे तुमका हम गुड़ दे, तुम कहे परेशान? तुम्हारी कापी हम चेक कर दे, तुमका गुड़ दे दे। आई एम इंक्वायरी। विद्यार्थी हरामी रामपत, रामपत हरामी, कितने आराम से सो रहे हो ना? अरे चूतिया के घोड़ी छतगिरी का दजरा के नाती छतगिरी। मास्टर साहब ऊपर हम पाथर फेंक दे। मास्टर साहब बोलो। हम इसलिए वहाँ बैठ गए थे अगर इस सीट खाली रहेगी तो असगुन हो जाएगा, इस पे जो बैठता है मृत घोषित हो जाता है। अच्छा तो हमका तुम मृत घोषित? कुछ पढ़ा लिखा? मास्टर साहब यहाँ आओ, जल्दी से आओ। तू हमको बहुत मारते हो, तुम्हारा एक राज हम जानते हैं। का ज्यादा कुछ करोगे हम शिकायत कर देंगे, पूरे गांव में आपकी बेइज्जती करा देंगे। वो जो आया है जो बच्चों को लाती घर घर से, उससे तुम्हारा कौन सा टाका चल रहा है? तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे हम देखे हैं स्कूल में, स्कूल के पिछुआ बतुआत हुए। अरे हरमियों कहो से कहो हो ना। हाँ ना काफे वो हमका भोजन दे जाते शाम का। अच्छा भोजन शाम को देती? नाश्ता सुबह? हाँ सुबेरे बस वही एक तो पराठा दे देते, बाकी खुराक दोपहर में जब लंच होता है। अरे तुम लोग से फुर्सत मिले तब ना हम कहीं जाए। अच्छा बच्चों समय हो गया, छुट्टी का समय आ गया, चार तो बांस ले आओ। अरे अबे छुट्टी का समय बताई तो हमको मारे के चक्कर में आओ। आपके अंतिम यात्रा की तैयारी करनी। चलो चलो बे छुट्टी छुट्टी, बेल बजा दो जाके घंटे। टन 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 टन। हम हो जाए। तुम कहे खड़े? आप कहे थे ना कुछ हमसे, तुमका हम कुछ सबक चल के कमरा में दे दे। नहीं कमरा वाला सबक नहीं, वो आप तुम मना किए थे ना कि कल ना आयो तुम। वो तो तुम आई बन गई हो। काहे? कल तुम्हारी छुट्टी है। इतवार है का? अरे इतवार नहीं है, संडे है। अरे ना संडे है ना इतवार है, शुक्र है। कल यहाँ पूरा स्कूल चेक करेंगे, दूसरे
स्थान से यहाँ इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। तो हमने का खराब जो हम नहीं आएंगे भाई। तुम हराऊ बहुत गड़बड़ आदमी हो, कुल उल पटांग कह दियो, विद्यालय बंद कराइयो और हमारी नौकरी ले लियो। चलो ध्यान रखना कल आओ ना। चलो चलो। अरे लल्ला ये बताओ, तुम सब स्कूल जाओगे? हाँ। और हमका मास्टर बाबा मना करी से कहे आज का त्योहार है का कोई नहीं, तुम्हारे बाप कितने रही है ससुर का नाती। हम तो भैया जा रहे हैं। तुम लोग जाओ, हम और कुछ ना कुछ जतन बनाऊ। चलो आ जाना। आज बड़ा वातावरण प्रफुल्लित नजर आ रहा है। कितना आनंद आ रहा है। हरमियों नहीं आए। वो तो हम बोल दिया कल के छुट्टी आए, सभी तो नहीं आवा। ठीक है बच्चों बैठे। हाजिरी सब कर ले ले। खिलावन। हाँ मास्टर साहब। हेमन। हाँ मास्टर साहब। ललाउनू। हाँ मास्टर साहब। कशिश देवी। जी मास्टर साहब। श्रीमती रुखसार। जी मास्टर साहब। तुम बढ़िया हो, निम्न हो, बैठो। श्रीदेवी कुमारी सोनी। जी मास्टर साहब। सब ठीक है और बढ़िया है के सब के सब। देखो आवत हैं इंस्पेक्टर साहब, समय हो गया है। सब एकदम उनका समझ के सामने नमस्ते करे हो है, और फिर कापी किताब चेक हो तो सब सवाल के जवाब दियो। हाँ आवे का समय हो गया है। छोटू मास्टर साहब। जी साहब। इधर आइए। जी साहब। जी साहब। आपने इन बच्चों को क्या बताया है? सब बच्चों को कुछ ना कुछ शिक्षा देते ही रहता हूँ साहब। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जी कहिए। क्या 15 अगस्त आने वाली? जी। उसके लिए कुछ तैयारी भी करनी है? जी बहुत अच्छा। आपने कुछ तैयारी की? जी हाँ। क्या? बच्चों को कुछ ना कुछ 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सिखा दिया है। तो मैं क्या मालूम है बताओ? सार ऊंट इतना हो गया है, मुंह देखो जैसे घोड़ा पछाड़। बोल सकते नहीं? कुछ याद हो तो बताइए साहब। कुछ माइंड से अलल बैल है। अलल बैल है? बच्चे गांव देहात के हैं, आपको देख के डर गए। उससे ज्यादा तो आप डर रहे हैं। सर हम क्या बतावें? अब हम क्या बताई, विद्यालय प्राइमरी स्कूल पावर शिक्षा है, इसके लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते। तुम बताओ तुम्हें क्या बताया? वंदे मातरम। ठीक है हटो, इस बच्चे को बुलाओ। लिलौनू। क्या नाम है इसका? हमारी इज्जत तुरे हाथ में। लिलौनू। लिलौनू। हाँ वाह, बताओ। हमका गाना बताए ने रास्ती है तुमको। हाँ जरा बताओ। ये गाना है? रास्ती गाना है तो सरा खरजे भरत रहा के कुछ आगे बढ़ता। हमरा रंग दे बसंती चोला, मोरा रंग दे बसंती चोला,
अरे ये गाना गा रहे हो के रो रहे हो? रो नहीं रहा, याद आ गई वीरों की मुझे। वीरों की याद? ओहो, वीरों की याद आ रही है। संतावना रखो। वेरी गुड वेरी गुड, संतावना ले। हमरे धोती से मुंह पोछ ले, बैठ जा। तुमने कुछ याद किया? खतरा उनसे कुछ न पूछे तो जल्दी बोलो, याद किया या नहीं? वो का तो यही नहीं हुआ याद है कि हम वस्त्र पहने कि नहीं पहने। तुमने कुछ याद किया बोलो? ये बच्ची बहुत अच्छी है सर। हमने संगीत याद किया है। संगीत? जी। तुम्हें संगीत किसने सिखाया? एक हमारे मास्टर साहब है, उन्होंने सिखाया। क्या नाम है उनका? हरी। हरिश्चंद्र? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, उन्होंने सिखाया है। उससे पहले भी ये संगीत सीख रही थी एक और मास्टर से। अच्छा। वो बेचारे मरणोपरांत हो गए, अब इनका नंबर है। तो तुमने उनसे क्या सीखा है? वो जो हमको सिखाते थे वही हमने सीखा है। तो जरा करके बताओ। बजाओ बजाओ मास्टर साहब, सर कह ही रहे हैं, करके बताना पड़ेगा सर। हाँ? मतलब करके। तो का इनके साथ करियो, इनके साथ ना करो साहब है। हाँ साहब। जी साहब, हमारे साथ कर लो। अरे भाई, आपके उस्ताद हैं मास्टर हरिचंद जी। जी। तो आप उनसे कहिए कि कोई तीन ताल में कोई रेला या कोई परण हमको सुनाए तो समझ में तो आए। रेला ज्यादा तो सुनाए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हें कुछ याद है? हाँ जी। आगे बढ़ो, डरो आगे बढ़ो, डरो नहीं साहब है। बोलो बोलो बोलो। सुनाए। सुनाओ। बिल्कुल, जो कल पढ़ाया था। हाँ। नाक पोंछ लो पहले। सारे जहां से अच्छा वेरी गुड। थैंक यू सर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे के बैठ जाओ। तुम्हें कुछ याद है बताओ? एका नहीं याद है। का है? जो दिन बाजार बंद था उस दिन ये पैदा भरा है। हैं? पीछे रहो पीछे। मास्टर साहब। जी साहब। एक बात पूछूं आपसे? आप पूछे। सही सही बताइएगा। अब तक तो हम सही सही सब बतावा और आपने गलत बताया तो फिर नौकरी गई। ये बताइए बाजार से और इसके पैदा होने से क्या ताल्लुक है? मतलब इसकी माँ बाजार है? इसकी माँ बाजार में रहती है। अच्छा। तो सब दिन काम स्कूल में रहता है तो यहाँ रहती, झाड़ू पोछा करती है। अच्छा। और जब बाजार बंद हो जाते हैं तो वो घरे जाते हैं। तो ये बाजार की पैदाइश है। तो जो बाजार बंद रहा उस दिन पैदा हुआ? दिन पैदा बाजार घूंगा है, करता है। तो क्या पढ़ाते हो उसको? पढ़ा तो क्या पढ़ता है? कुछ नहीं पढ़ता। बोलो जल्दी, बैठ जाओ। सर ये मूड में रहता है तब बोलता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ तुम लोग। बैठो। बच्चों जी। जी।
हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। पूछिए। कि सीता जी के स्वयंवर में ऐसा कौन सा महान वीर पुरुष था, कौन सा ऐसा महान वीर पुरुष था जिसने धनुष तोड़ा था? मालूम हो तुमको? जी नहीं। रुक जा। हाँ नहीं। क्यों नहीं? क्या बताया है आपने? अरे सर वो बताऊते कहा नहीं, सीता जी के स्वर में धनुष रखा था, उसको किस भी उस मान तोड़ा। बोलो। गाया माता का जाने। ये सर वो हमको कहा बता रहा है? साहब 6 महीना हो गया स्कूल चलावत, हमका खुद नहीं मालूम कि धनुष कहाँ रखा रहा। ओ तो उसका मतलब तो आपको भी नहीं मालूम। साहब प्रिंसिपल साहब का मालूम हो गया। कहाँ हैं? प्रिंसिपल साहब चले गए हैं कुछ इंक्वायरी में राउंड के ऊपर। तो उनसे पूछा था आपने? उनसे पूछ साहब हम आपको एक सही सही बात बताऊं, सीता जी के स्वयंवर धनुष रखा था तो पुराना रहा होगा, पुराने वक्तों की बात है। धनुष पुराना रहा होगा तो कहीं टूट टाट गया भाई, जब से 6 महीने से हम स्कूल देख रहे हैं हमें पूरे स्कूल में कहीं नहीं मिला ये धनुष। तो क्या सिखाते हैं आप बच्चों को जब आपको खुद नहीं मालूम कि सीता जी के स्वयंवर में वो धनुष किस महान वीर पुरुष ने तोड़ा था? जब आपको नहीं मालूम तो इनको क्या मालूम होगा? आज से आपकी नौकरी गई। नौकरी गई? हाँ। तो पेंशन भी गई? पेंशन भी गई। ठीक है। दूसरा सुन। क्या बताया है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, बताइए 15 अगस्त आने वाला है, इन बच्चों को तुमने कुछ भी नहीं बताया है। क्या बताऊं? बच्चों जी एक सवाल और पूछते हैं हम, शायद नौकरी बच जाए। ये देखते हो ये क्या है? साहब मैप है, मानचित्र है, पूरे वर्ल्ड का नक्शा है। हाँ तुमने देखा? जी। तुमने आज ही लगाया है क्लास में? आज ही लगाया था मास्टर साहब ने? आज नहीं लगाया है, ये तो बहुत पहले से है। इसको क्या कहते हैं मास्टर साहब? जननी जन्म भूमि का नक्शा। दूसरा? मैप वर्ल्ड का नक्शा। तीसरा? दुनिया का चीज नक्शा। बच्चों जी ऐसी कोई चीज बताओ कि जो एक चीज हो और नाम अनेक हो। है? हाँ। ऐसी कौन सी वस्तु है? ऐसी कौन सी वस्तु है हमारे तुम्हारे पास जो चीज एक हो नाम अनेक? एक हो और नाम अनेक हो। ये कौन सी चीज है? चीज एक नाम अनेक, ऐसी सार कौन सी वस्तु है? पटना जी कौन देख? इधर आओ। अरे सार रंपतवा हरामी तय नौकरी गई। तुम्हारा नाम? रंपत हरामी। इसका मतलब यह है कि तुमने हाथ उठाया था यहाँ तो तुम्हें जरूर मालूम होगा। हाँ मालूम है, मगर सबसे पहले जो खाना। अगर मालूम है हाँ तो बताओ हमको कि वो ऐसी कौन सी चीज है हमारे तुम्हारे पास जो चीज एक है और नाम अनेक है। पहले कुछ समस्या हमारी सुन लीजिए, आपका जवाब तो हम देंगे। दलिया जितनी आती है हम लोग को नहीं मिलती है। दलिया हम लोग को नहीं मिलती है। खिचड़ी बनती है वो नहीं मिलती है। सभी मास्टर साहब खा जाते हैं। ये सर वह हमको कहे बता रहे मास्टर साहब? जी साहब। वो 22 बोरा जो आया था पंजीरी का वो सब कहाँ गया? वो ग्राम प्रधान ग्राम समाज के जो लोग हैं वो अपने कथा में पंजीरी बटवा डाली। हाँ, सरकारी पंजीरी कथा बट रही है। ग्राम प्रधान कौन है? कोई लेडीज है या जेंट्स है? लेडीज है, लेडीज है साहब। कौन है? रुबीना खान। तो 22 बोरा
पर पंजीरी के सब वहीं चले गए, वो उनके गोदाम में धरवा दिए गए, वो एक एक निकलवाए जा रहे बोरा। उनका गोदाम बहुत बड़ा है साहेब, बच्चों को नहीं मिल रही दलिया, सारे खा खा के संडिया रहे हो। ये बात तो गलत है मास्टर साहब। और साहेब ये देखिए, दिखाइए वो बड़े घर की बिटिया, उसका ड्रेस मिली, हम लोग का ड्रेस नहीं मिली है। गवर्नमेंट का कहना है कापी किताब फ्री, ड्रेस फ्री, जूता फ्री, मोजा फ्री, सूटर फ्री, यहाँ सब फ्री फ्री फ्री। साहब जौन जौन का कपड़ा दिया जात है, ये सारे एक महीने के पहने को तो हफ्ते भर में फट डालत है, कहीं मियानी फाड़े घूम रहा है, कहीं नेफा निकाले घूम रहा है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इनके पास भी तो कपड़े नहीं है। ये साहब सब रिक्शे तांगे वालन के बच्चन के मजदूरन के बच्चे हैं, देख रहे हो, इनका बड़ा करें जिंदगी भर लग जाए, बड़ा ना हो पाई है तो हम कहाँ तक इनके चक्कर में। बड़ा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हम चाहते भी नहीं कि ये हमारे साथ रहे, बड़ा भी ना हो। ये क्या बात हो रही है, हमने क्या पूछा? अब आपका हम जा रहे हैं जवाब। हमने क्या कहा था? आपकी बात का जवाब। हमने क्या कहा था? चीज एक ऐसी हमारे तुम्हारे पास कौन सी वस्तु है जो चीज एक है और नाम अनेक है? हम बता रहे हैं। हाँ बताओ। क्या हूँ ये? क्या है ये? बाल हैं। ये क्या है? बाल है। इसको हिंदी में कहते बाल, उर्दू में कहते केस, और बंगाली में कहते चूल। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, है ना वेरी गुड। अब आप इसके 4 इंच नीचे आइए, ये क्या है? इसको कहते हैं भाव का बाल। भाव का बाल, क्या बात, क्या बात, भाव का बाल है। हाँ। इसके 1 इंच और नीचे आइए तो ये कौन सा बाल है? ये पलक का बाल। पलक का बाल। 3 इंच नीचे और आइए, क्या बात, ये क्या है? इसको मूंछ का बाल कहते हैं। 2 इंच और नीचे आइए तो ये? इसको दाढ़ी का बाल कहते हैं। 1 बिलिस्ता और नीचे आइए तो? इसको सीने का बाल कहते हैं। 2 बिलिस्ता और नीचे न बोले हो। कहाँ रंपत? अरे हरमिया। तुम्हें यही सब सिखाया मार सामने, या तुम खुद बोलते हो? अरे भाई सवाल किए तो हम जवाब दिए, होगा कौन सी खराबी? ठीक है बैठ जाओ। वहां बैठो। हुआ कोई खराबी का? ये लेडीज क्लास है। अच्छा वो लेडीज धुआं लिखवाइए आप, महिला ग्राम इंटर कॉलेज। हमने कहा ना महिला ग्राम इंटर कॉलेज, बदतमीज बड़ो। बैठ जा। हम कहीं तू बैठो, आपसे नहीं साहब। बैठ जा, बैठ। अरे बैठ जाओ आप, बैठ जाओ आप हमारे आगे के, आप जब तक नहीं बैठे हम कैसे बैठ जाएंगे? अरे का कहे थे हम तुरे आगे कहीं। अरे आप हमसे पहले पैदा हुए? हाँ। हमसे पहले दुनिया में आए? हाँ। तो हमारे आगे के हुए नहीं हुए? चल उल्टी उल्टी बात न कर, बैठ जा। माँ साहब ठीक कह रहा है वो, ये हमारे आगे क्या हैं? आप उससे पहले पैदा हुए, आपने उससे पहले खाया है। हाँ। तो आप उसके आगे के ही हुए? क्या खाया है मतलब? केला, अन्य, केला। अन्य खाया आपने? अरे केला भी खाया है। तो आप आगे के हुए? चलो तुम केला न खाओ, तुम सरव शकरकंदी खाओ, बैठ जा। अब बोले ना जब तक साहब रहे, चल रहा साहब नौकरी लगी तो हमारी भी। बच्चों हाँ साहब, जो कापी किताब आप लोगों को भिजवाई गई थी जी, वो आपको बराबर मिली या नहीं? नहीं, नहीं मिली। ये स्लेट मिली। तुम्हें स्लेट मिली? हमें बात है ही नहीं। तुम खाओ किताब दिखाओ। ये क्या है? प्राणायाम विज्ञान जी। ये जी। मैंने आपको ये किताब भिजवाई थी साहब, जौन आई है वो हमने बच्चों में बांट दिया उनकी तंदुरुस्ती हष्ट पुष्ट देख करके। अरे वो सब कॉपी किताब चार्ट वाले का नहीं, चार्ट वाले का। सारी गलती आपकी है मां साहब। तुम देखो वाह, ये लाई हैं आप आसन एंड योग विज्ञान, जरा देखिए। अगर ये हम बताते हैं, बताइए हम लोग का ड्रेस देखिए, देखें
इसका ड्रेस देखिए और इसका ड्रेस देखिए, ये कह रहे थे ऐसे टांग ऊपर करो, ये बता रहे थे। जरा बताइए आसन योग बयान, अगर जब ये बयान कर रही तो ऐसे ही तो बन गया इनका सामान। अरे तो हमने तो आपको दूसरी किताबें भिजवाई थी, भिजवाई किताबें कहाँ से आई? तो ये जो भिजवाई है वही इनके पास है, बतौती को है। आप बताइए ना, जब पैरवा ऊपर कर लेगी तब बाकी सामान कहाँ ले जाएगी? ये योगा है, योगा की भोगा है। ये किताबें किसने दी तुमको? मास्टर साहब ने। हमार का गलती, जो बुरवा आवा वही में खोल खोल के इनके दिया। कौन सा बुरवा आया था तुम्हारे पास? किताबन वाला बुरवा। मास्टर पक्का छिनरा है? एक नंबर का बुरवा आया था कि दो नंबर का बुरवा आया था? दो नंबर वाला। तीन नंबर वाला, तीन नंबर वाला, तीन नंबर वाला। सारी कापी किताब आप ही बेच के खा के तुम दिखाओ। नहीं साहब, हम कुछ नहीं किया है। तुम कर भी कह सकते हो उस काबिल हो भी। आयुर्वेद चिकित्सा गाइड। ये तो हमने नहीं भिजवाई थी। आप कैसी बात करें साहब, आपने जो भिजवाया हमने इनको दिखाया। अरे रामदेव बाबा से कुछ खा रहा है इस पर? नहीं साहब कुछ नहीं। जरा आप देखिए, ये ज्ञानवर्धक किताब है, इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। तो आप यहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं कि जड़ी बूटी के बारे में बता रहे हैं? जब से शुरुआत करूंगा ज्ञान की, तभी से विज्ञान के साथ लगा दूंगा। बच्चे को काढ़ा तो आता नहीं है और आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं? नहीं, जड़ी बूटी बता रहे हैं। अब हमने इनसे पूछा, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। नहीं साहब, हमारा दिमाग नहीं खराब। हमने इनसे पूछा कि लहसुन प्याज अदरक, तो इन्होंने कहा ठीक लहसुन प्याज अदरक। अगर हमने कहा इस पे दंड बैठक की बात करी जाए तो क्या होगा? बोले दंड बैठक का शरत राम लखन दशरथ। अब बताओ ये सब ज्ञान वातक है? लो तुम सब सरवे हमका मरवावे के चक्कर में बैठ जाबे। अब ये जड़ी बूटी खाने की तुम्हारी उम्र है, ठीक? तुम्हारा है, दिमाग खराब हो गया है जो आप कहे। इसको खिलाओ। नहीं, देखो ये घोरे आए हैं। अरे ऐसे ऐसे घोरे, ऐसे ऐसे घोरे, ये तुम पी लियो। भाई लंच में तुम लोगों को क्या मिलता है? सर जी, लंच में हम लोग को दलिया मिलती है। शाम को घर जब जाते हैं ना, तो जब थोड़ी बहुत बच जाती है वो सड़ जाती है शाम तक। फिर जब अम्मा हमारी फेंकने लगती है ना, तो हम उनको मना कर देते मत फेंको, स्कूल में ना मास्टर साहब खा लेते हैं। तभी तो हम कहें कि मास्टर साहब इतने हस्तपुष्ट क्यों हो रहे हैं? सड़ा सड़ा खा रहा है, सड़ा सड़ा। अब तो आपकी नौकरी खतरे में है। यहाँ सराउ जुलूस निकाल रहे हो मास्टर साहब? ये तुम्हारा आंदोलन, तुम सबको देखना छठी का दूध याद किरा देगा। मास्टर साहब, जी साहब, आपकी तंदुरुस्ती का राज क्या है? बस समझ लीजिए कि हमारी तंदुरुस्ती का राज कोई नहीं है। सब सरकार खा गई, जो उन कुछ आ रहा है उसी में हम सबको खिला के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नाम हमारा बदनाम है। अभी तो तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, ये अचानक तुमको क्या हो जाता है? ये जब राज खुल रहा है तो पूरा खुलेगा। खड़े रहो। एक बात हम तुमसे पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए। तुमने बड़े अच्छे अच्छे सवाल हमने जो किए, हाँ उसका जवाब तुमने दिया। अच्छा अच्छा जवाब दे सकते हैं, पढ़े लिखे हैं। बहुत दिमागदार हो तुम भाई। हाँ एफएस निकल, एफएम घुसे हैं। एक बात बताओ जी, ये रंपत तो ठीक है, हाँ ये हरामी क्या चीज है? ये जो रंपत के बाद में जो हरामी कहते हैं, इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ा सस्पेंस है। क्या सस्पेंस है? देखिए आप मत पूछिए। क्यों? आप अधिकारी हैं, हम नहीं कहना चाहते, आप संकट में आ जाएंगे। ओफो, जब तक हमको मालूम नहीं पड़ेगा तो हम तो पूछते ही रहेंगे ऐसे। ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। क्या सस्पेंस है? एक मरतबा हम पूजा कर रहे थे। किसकी? यमराज महाराज की। लोग भगवान की पूजा करते हैं और तुम एक आदमी अकेले ऐसे हो जो यमराज महाराज की पूजा करते हो? और हमारा असली नाम है रंपत सिंह भदौरिया।
अच्छा अच्छा बाप का नाम है रघुवीर सिंह भदौरिया, सीओ सिटी कानपुर। अच्छा। हाँ कौनो हरामी के औलाद थोड़ी हम। तो फिर हरामी क्यों कहते हैं? हाँ ये बात पूछे आप। देखिए आप बुरा ना मानिएगा, संकट में आ जाए तो हम नहीं जानते। अरे हम पूछ रहे हैं, बुरा क्यों मानेंगे? हम पूजा कर रहे थे यमराज महाराज की, हम पे बड़े प्रसन्न हुए। बोले रमपत। हमने हाँ महाराज। बोले हम तुम्हारे पूजा पाठ से खुश हैं। बोलो क्या चाहते हो? हमने प्रभु तीन वरदान चाहिए। बोले मांगो। हमने पहला वरदान है महाराज कि जो आपका भैंसा है इसकी दोनों सींगे आपस चिपक जाएं। अच्छा। यमराज बोले यो मस्त। हमने ये तो इच्छा हमारी पूरी हो गई, कुछ और कर लें। बोले तीसरा वरदान मांगो। हमने प्रभु दूसरा वरदान मांगो। हमने प्रभु हमारी इच्छा है कि जो भैंसा की सींग चिपक गई है आप इसी पे आसन मार के बैठ जाएं। यमराज बैठ तो गए। क्या हुआ? हे भगवान, अरे कौन से संकट में फंस गए। बोले तीसरा वरदान मांगो, बर्दाश्त के बाहर हो रहा, तकलीफ बहुत हो रही। हमने प्रभु हमारी इच्छा है जिस सींग पे आप बैठे हैं ये दोनों सींग अलग अलग हो जाएं। ओहो ये बात है। यमराज बोले तुम बहुत हरामी आदमी हो, आज से तुमको हमने खिताब दिया रमपत हरामी। वाकई में सही कहा, वाकई में ही तुम हरामी। दोबारा आप ना पूछिएगा। क्यों? आप भी ना पूछिए। आप तो पूछते नहीं। नहीं एक सिंह पे आप बैठा लूंगा, एक सिंह पे आपको। मास्टर साहब दोबारा मत पूछिएगा ना, वाकई में तुम रमपत हरामी हो।